जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीस का चैनल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिजीत कुमार और करते हैं आज की खबरों की शुरुआत सबसे पहली बड़ी खबर के साथ। इससे पहले छत्तीसगढ़ से अगर आप और देखना चाहते रोजाना छत्तीसगढ़ के समाचार तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है जिसे दबाकर चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। पहली बड़ी खबर, 1 और 2 दिसंबर को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाएगा। आरक्षण पर नया विधेयक छत्तीसगढ़ सरकार लाएगी। मुख्यमंत्री के आग्रह पर विधानसभा अध्यक्ष ने राजभवन में इसका प्रस्ताव भेजा हुआ है जिसके लिए राज्यपाल भी तैयार हो गई हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के फैसले से उपजी परिस्थितियों को नियंत्रित करने के लिए राज्य सरकार आरक्षण पर नया विधेयक लाएगी। इसके लिए 1 से लेकर 2 दिसंबर को छत्तीसगढ़ विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आदिवासी आरक्षण के मुद्दे को लेकर विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने का प्रस्ताव विधानसभा अध्यक्ष डॉ. चरदास महंत को भेजा था। ऐसे में विधानसभा अध्यक्ष ने वह प्रस्ताव राजभवन भेजा। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने भी इस प्रस्ताव पर अपनी सहमति दे दी है। जल्दी इसकी अधिसूचना भी जारी हो जाएगी। छत्तीसगढ़ में सरकार ने 2012 आरक्षण के अनुपात में बदलाव किया था और इसमें अनुसूचित जनजाति वर्ग का आरक्षण 20% से बढ़ाकर 32% कर दिया गया था। छत्तीसगढ़ में रवि फसलों का रकबा 5% बढ़ाने की तैयारी है। इस बार 19,25,000 हेक्टेयर में खेती होगी। आधे हिस्से में केवल दलहन लहराने वाले हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ में खरीफ के धान की कटाई के साथ साथ रवि की बुआई अब शुरू हो गई है। इस बार इसका क्षेत्रफल 5% बढ़ाने की तैयारी है। पिछले साल रवि सीजन के दौरान 18,30,000 हेक्टेयर में खेतों में रवि की फसल बोई गई थी। कृषि विभाग ने इस साल 19,25,000 हेक्टेयर में फसल लगाने की योजना तैयार करी है। कृषि विभाग ने रबी सीजन में तैयारियों के लिए अफसरों के साथ साथ समीक्षा बैठक का दौर शुरू कर दिया है। बीते दिन कृषि उत्पादन आयुक्त डॉ. कमलप्रीत सिंह ने रायपुर और दुर्ग संभाग के कलेक्टर, जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों सहित कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन विभाग के अधिकारियों के साथ वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक ली, खरीफ फसल की समीक्षा की और रबी सीजन का कार्यक्रम तय करने के लिए बैठक रायपुर के न्यू सर्किट हाउस में किया गया। छत्तीसगढ़ के कई शहरों में आईटी का छापा पड़ा। कोयला कारोबारियों के यहाँ 50 गाड़ियों पर पहुंची टीम। बिलासपुर में तेंदुपत्ता व्यापारी के ठिकानों पर भी कार्यवाही जारी है। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में छापा मारा है। बिलासपुर, रायगढ़, कोरबा और रायपुर में कोयला कारोबारियों के जो भी यहाँ पर जुड़े कारोबारी हैं इनके घर पर कार्यवाही जारी है। बताया जा रहा है कि एक दिन पहले ही 50 से ज्यादा अफसरों की टीम राजधानी रायपुर पहुंची। बिलासपुर में तेंदुपत्ता व्यापारी बजरंग अग्रवाल, बनवारी अग्रवाल के घर आईटी पर छापेमारी कार्यवाही जारी है। साथ ही दोनों व्यापारियों के ऑफिस और घर में एक साथ आईटी की टीम तलाशी ले रही है। बताया जा रहा है कि 10 से 12 की संख्या में आईटी के अधिकारी जांच कर रहे हैं। बजरंग अग्रवाल बनवारी अग्रवाल राइस मिल और रियल एस्टेट का काम भी करते हैं। ऐसे में रायगढ़ में एनआर ग्रुप के मालिक संजय अग्रवाल के ठिकानों पर भी जांच जारी है। 50 से ज्यादा गाड़ियों में आईटी की टीम पहुंची है। शहर में गजानंद के घर पर भी यहां पर छापा जारी है। 5,000 करोड़ का एमओयू करने की चर्चा हुई है। एनआर इस्पात के मालिक संजय अग्रवाल ने पिछले दिनों राज्य सरकार से 5,000 करोड़ रुपए का एमओयू साइन किया था। शहर का विस्तार को लेकर के खबर है। तकरीबन 4 साल बाद जारी होगी 2031 तक के लिए प्लान। रायपुर का नया मास्टर प्लान 11 नवंबर को अब जारी होने वाला है। तकरीबन 4 साल के लंबे इंतजार के बाद अब रायपुर का नया मास्टर प्लान 11 नवंबर को जारी किया जाएगा। सभी लोग इस प्लान को रायपुर बीरगाम नगर निगम, संभाग कमिश्नर, कलेक्ट्रेट और टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के दफ्तर में देख सकेंगे। जारी होने की तारीख से 1 महीने तक लोग इस प्लान में किसी भी तरह की दावा आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। सभी आपत्तियों के निराकरण के बाद ही इसको फाइनल किया जाएगा। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के बात करें तो यहाँ पर इसको बीते दिन सोमवार को मास्टर प्लान जारी करने की तैयारी पूर्ण कर ली गई है। 9 नवंबर को प्लान जारी करने की सूचना जारी करी जाएगी। साथ ही 11 नवंबर से चारों दफ्तरों में इसकी एक एक कॉपी भी उपलब्ध करवा दी जाएगी। अफसर इस बात की भी कोशिश कर रहे हैं कि मास्टर प्लान टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन भी जारी कर दिया जाए। इससे लोगों को दफ्तरों में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 30 लाख की आबादी के लिए नया प्लान, इसमें रायपुर का दायरा 503 वर्ग किलोमीटर का होगा। दरअसल राजधानी का 2031 का मास्टर प्लान 30 लाख की आबादी के अनुसार बनाया गया है।
आरक्षण कटौती के मुद्दे पर भाजपाइयों का हल्ला बोल संभाग भर में, साथ ही पूरे प्रदेश स्तर में भाजपाइयों ने चक्का जाम किया। 2 घंटे तक वाहनों की लंबी कतार लगी रही, सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करी गई। छत्तीसगढ़ में आरक्षण कटौती के मुद्दे पर भाजपाइयों ने पूरे संभाग भर समेत पूरे प्रदेश में चक्का जाम किया। बात करें तो भाजपा के सैकड़ों हजारों कार्यकर्ता सड़क पर उतरे, सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करी गई। इस दौरान भाजपा नेताओं ने कहा कि सरकार की तरफ से कोर्ट में कमजोर पक्ष रखा गया था, इसीलिए आरक्षण में कटौती हो गई। भाजपा प्रदेश के नेतृत्व के आह्वान पर बीती दोपहर तकरीबन 1 बजे से दोपहर 3 बजे तक संभाग पूरी तरीके से मुख्य सड़कों पर भाजपाइयों ने चक्का जाम लगा रखा था। बात करें तो यहां पर बीजेपी कार्यकर्ता सड़क पर बैठे नजर आए, वहीं नेशनल हाईवे में कार्यकर्ताओं ने अपनी चौपाल लगा दी। सभी जगहों पर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करी गई। शुभ मंगल और ज्यादा हो जाइए सावधान, क्योंकि बैंड बाजा और बारात पर GST की नजर पड़ चुकी है। तकरीबन 5.5 लाख का बजट है तो आपको 96,000 रुपए तो एक्स्ट्रा टैक्सेस देने होंगे। वैवाहिक सीजन के शुरू होते ही बैंड बाजा और बारात पर GST विभाग की पैनी नजर रखी हुई है। शादियों में होने वाले बेहिसाब खर्च पर टैक्स देना ही पड़ेगा। वहीं इसके लिए इसके चोरी करने पर विभाग सीधी कार्यवाही करते हुए संबंधित वैवाहिक भवन से लेकर के डेकोरेशन और बैंड बाजा वालों पर भी कार्यवाही करेगा। महंगी शादी पर टैक्स चोरी किए जाने की आशंकाओं को देखते हुए GST का अमला भी अब सक्रिय रहेगा, क्योंकि कोरोना काल के बाद इस वर्ष थोक में शादियां होंगी और लोग दिल खोलकर खर्च भी करेंगे। हालांकि उन लोगों का जिनका इसके लिए लाभ मिलेगा जो वेंडिंग पैकेज है उसके तहत शादी करेंगे, इसके लिए उन्हें अलग अलग टैक्सेस देने नहीं पड़ेंगे बल्कि पैकेज तरह के एक बार में टैक्स देना होगा। वैवाहिक सीजन को देखते हुए भवनों की बुकिंग पहले से ही हो चुकी है। शादी वालों घरों के लिए सबसे बड़ी मुसीबत 12 से लेकर 18% तक टैक्स है। मैरिज गार्डन से लेकर के टेंट से लेकर के बैंड बाजा और अन्य सभी में से लगभग 12 से 18% का टैक्स देना पड़ता है, जिससे लोगों का बजट बिगड़ने वाला है। आदिवासी समाज का बहुत बड़ा फैसला निकलकर सामने आ रहा है। भानु प्रतापपुर उपचुनाव पर अपना प्रत्याशी उतारने के संकेत यहां पर आदिवासी समाज ने दिए हैं। समाज की बड़ी बैठक आज होने वाली है और अगर ऐसा होता है तो समीकरण बिगड़ सकते हैं। दरअसल भानु प्रतापपुर उपचुनाव को लेकर बड़ी खबर आ रही है। आदिवासी समाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रदेश सरकार पर गंभीर आरोप लगाने के साथ ही उपचुनाव में प्रत्याशी उतारने के संकेत जारी किए हैं। आदिवासी समाज ने कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी PL पुनिया को भी बस्तर में दोबारा प्रवेश नहीं करने की चेतावनी दी है। आदिवासी समाज ने गोंडवाना भवन कांकेर में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रदेश की बात करें तो कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि 32% आरक्षण में कटौती की जिम्मेदार प्रदेश सरकार ने हाई कोर्ट के फैसले के बाद अब तक कोई ऐसा कदम नहीं उठाया है जिससे कि लगे कि सरकार आदिवासियों के साथ है। 1080 केंद्रों पर मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन आज होगा। दरअसल बात करें तो विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। सभी 1080 मतदान केंद्रों पर एकीकृत फोटोयुक्त मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन जो है आज किया जाएगा। लोग मतदाता सूची का अवलोकन कर सकते हैं, साथ ही मतदाता सूची में सुधार के लिए दावा आपत्ति भी प्रस्तुत कर सकते हैं। इस दिन विशेष महत्व देते हुए जिला निर्वाचन कार्यालय ने सुबह 10 बजे साइकिल रैली आयोजित किया है। ऐसे में रैली जो है PG कॉलेज कोरबा से लेकर कोसाबाड़ी चौक एवं वापसी होते हुए PG कॉलेज में ही संपन्न होगा। इस दिन चुनाव पाठशाला का भी आयोजन किया जाएगा। उप जिला निर्वाचन अधिकारी के मुताबिक लोक मतदाता सूची में जरूरी सुधार के लिए निर्धारित प्रारूप में आवेदन मतदान केंद्रों में उपस्थित बूथ लेवल अधिकारी, रजिस्ट्रीकरण अधिकारी या फिर सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। फिलहाल 1080 केंद्रों की हम बात कर रहे हैं वो फिलहाल कोरबा जिले के लिए है। आने वाले जिलों के लिए आने वाले तय समय में जो सूचना है वो जारी करी जाएगी। बिलासपुर के साइंस कॉलेज मैदान में स्वदेशी मेला शुरू हो चुका है। केंद्रीय राज्य मंत्री रामेश्वरी तेली इसका शुभारंभ किए हैं। दरअसल बात करें तो स्वदेशी मेला 2022 का आयोजन जो है 9 से लेकर के 15 नवंबर तक साइंस कॉलेज मैदान में किया गया है। मेले का उद्घाटन 9 नवंबर शाम 4 बजे केंद्रीय पेट्रोलियम और गैस मंत्रालय भारत सरकार के राज्य मंत्री रामेश्वर तेली की गई है। इसके अलावा बात करें तो कार्यक्रम की अध्यक्षता सांसद अरुण साहब द्वारा करा गया। विशिष्ट अतिथि
विधायक शैलेश पांडे, बेलतरा विधायक रजनीश सिंह, महापौर रामशरण यादव भी उपस्थित थे। 7 दिवसीय कार्यक्रम में विभिन्न प्रतियोगिताओं के साथ सांस्कृतिक संध्या और सामाजिक समागम का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम प्रतिदिन दोपहर 2 बजे से रात्रि 10 बजे तक चलेगा और इस दौरान तृप्ति निगम द्वारा हनुमान चालीसा पाठ करके मंगल कामना करी गई। साथ ही अंचल शर्मा द्वारा मधुर भजन से समा बांधा, सुनील खंडेलवाल द्वारा प्रसाद वितरण किया गया। इस प्रकार बात करें तो यहाँ पर जो है बिलासपुर के साइंस कॉलेज मैदान में इस वक्त का नज़ारा देखने को मिलता है। बौद्ध सम्मेलन हुआ है जिसको लेकर अब बवाल होता नजर आ रहा है। मैं गौरी गणपति और हिंदू धर्म के किसी भी देवी देवताओं की नहीं मानूंगा और ना ही उनकी कभी पूजा अर्चना करूंगा, इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है इस वीडियो में जो आप अभी इस वक्त देख रहे हैं। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले का है, जहाँ पर बौद्ध समाज के सम्मेलन में हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ शपथ दिलाने का मामला सामने आ रहा है। इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो सामने आने के बाद इस पर अब हंगामा हो रहा है। साथ ही हिंदू संगठनों और बीजेपी के लोग भड़क गए हैं और कार्यक्रम में शपथ दिलाने वालों के खिलाफ FIR दर्ज कराने की मांग की जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार 7 नवंबर को राजनांदगांव में शिवनाथ नदी के तट पर मोहारा ऑक्सीजोन में राज्य स्तरीय बौद्ध सम्मेलन का आयोजन किया गया था। सम्मेलन में बौद्ध भंतों ने यहाँ पर मंच से लोगों को शपथ दिलाई और कहा कि मैं गौरी गणपति या फिर किसी भी हिंदू धर्म या फिर देवी देवताओं को नहीं मानूंगा और ना ही उनकी कभी पूजा अर्चना करूंगा। मैं इस बात पर भी विश्वास नहीं करूंगा कि ईश्वर ने कभी अवतार लिया है, इस प्रकार कहते हुए इस वीडियो में शपथ दिलाई जा रही है। बिलासपुर में डेंगू मलेरिया के एक बार फिर से सर्वे होंगे। मलेरिया के 48 तो वहीं डेंगू के 32 मामले अब तक सामने आ गए हैं। दरअसल डेंगू मलेरिया के साथ साथ बरसात थमने के बाद अब इस प्रकार के मरीज मिलने लगे हैं। बात करें तो शहर के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में भी अब मलेरिया के मरीज सामने आ रहे हैं। ऐसे में अब स्वास्थ्य विभाग भी शहर के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वे टीम भेज रही है और भेज करके घर घर जाकर सर्वे का काम कराया जा रहा है। कोरोना काल में मच्छर जनित रोगों से पीड़ित मरीजों की संख्या में भले ही गिरावट आई हो, लेकिन मरीज मिलते रहे हैं और बीते 3 महीने से शहर समेत जिले में डेंगू और मलेरिया के मरीज मिल रहे हैं। एथेनॉल प्लांट लगाने की मांग लगातार करी जा रही है। गन्ना प्रोत्साहन वितरण कार्यक्रम में वर्चुअली रूप से समापन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री ने कहा कि प्लांट का प्रस्ताव बनाकर सरकार को भेजें। महामाया सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित केरता के गन्ना उत्पादक कृषकों द्वारा उपस्थिति में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के मुख्य आतिथ्य में गन्ना प्रोत्साहन वितरण संबंधित कार्यक्रम वर्चुअली माध्यम से संपन्न हुआ। मुख्यमंत्री ने कारखाने में पेराई सत्र 2020-21 में गन्ना उत्पादक कृषकों के लिए प्रोत्साहन राशि तृतीय किस्त के रूप 24 रुपए प्रति क्विंटल की दर से लगभग 4,89,00,000 रुपए गन्ना कृषकों के खाते में भेजा गया। इसी प्रकार बात करें तो यहां पर जो है लगभग 60 किसान उपस्थित थे इस वर्चुअल कार्यक्रम में। मुख्यमंत्री ने शक्कर कारखाना से कृषकों से संवाद के तहत बात करें तो यहां पर एथेनॉल प्लांट लगाने के लिए प्रस्ताव भेजने की बात भी कही, ताकि उत्पादन जो भी यहां पर फसल है इसका सदुपयोग इन एथेनॉल प्लांट के माध्यम से किया जा सके और स्थानीय ग्रामीण जो भी यहां पर कृषक हैं उनको सीधा फायदा दिला सके। खैर दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस यही तक का था। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें छत्तीसगढ़ के समाचार बिना रुकावट रोजाना हम आप तक पहुंचा सके। तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।